हेलो हसब समिति का आदेश बढ़ते क्रम में रामचरितमानस के अंतर्गत बिल्कुल क्रमबद्ध आपके समक्ष कथा सुनाने जा रहा हूं। समिति का आदेश अभी आपने सुना केवट जी भगवान प्रभु श्री राम जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। आदेश अनुसार बिल्कुल बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध प्रभु की सेवा इधर हो चुकी है। अब प्रभु श्री राम जी महाराज गंगा पार जाने के लिए केवट को पुकारते हुए कहते हैं कि आप हमें उस गंगा के पार करा दीजिए। तभी प्रभु की पुकार सुनकर के केवट जी कहने लगते हैं, कि हे प्रभु हो मांगीना पूरी चरण कमल रज सब कहाई मानुष करनी मूरी कछुआ। केवट जी कहते हैं कि प्रभु हमने सुना है कि आपकी चरण रज से पत्थर की शिला भी नारी बन जाती है और ये तो मेरी लकड़ी की एक नाव है, मैं आपको इस नाव को कैसे बार उतार सकता हूं। तभी कहने लगते हैं होरी छुअत शिला भाई होरी नाद सुहाई पहनते ना काठे कटीना मुनि घरे निहो जाई बाट पराई मोदी सवड़ाई। केवट जी कहने लगते हैं कि हे प्रभु मैं आपको मेरी इस नैया पर आपके बगैर छोटे चरण धुलाए नहीं बिठा सकता हूं। पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, क्या पता आपके चरण रज से कहीं मेरी ये लकड़ी की नाव नारी ना बन जाए, क्योंकि मेरा यही कर्म है, यही मेरा धंधा है। केवट जी कहते हैं और चरण उरी जादू भरे पावे तुम्हारे। केवट जी कहते हैं
गुरु चरण जादू भरे पाप तुम्हारे ओ, ओ। केवट कहते हैं और मेरे सी जीवन की तमन्ना यही है हो। कहने लगते हैं और मेरे सी जीवन की तमन्ना यही है ओ आस लगी है आस लगी है मेरे सी जीवन की तमन्ना यही है आस लगी है आस लगी है मेरे सी जीवन की तमन्ना यही है आस लगी है आस लगी है। कहने लगते हैं कि हे प्रभु मैं आपके बगैर चरण धुलाए अपनी नैया में नहीं बिठा सकता हूँ। केवट जी कहते हैं महाराज के चरणों को धुलाते हैं। कहने लगते हैं पहले प्रभु मैं आपका एक एक करके दोनों चरण धुलाऊंगा। एक चरण धुलाया चरणों को धुला करके केवट जी कहने लगते हैं होरी हरि दर्शन को हरि चरणन को श्री हरि की कृपा को। कहने लगते हैं कि हे प्रभु मैंने इसी कारण ही केवट का जीवन लिया कि एक दिन आप आओगे और मुझसे शरण धुलवाओगे। इसी बहाने आप मेरे सर पर हाथ रखोगे। जब एक पैर से शरण धुलाने लगे कहने लगते हैं कि हे प्रभु आप कहीं गिर ना जाए इसलिए आप अपना हाथ मेरे सर पर रख लीजिए। इस कृपा को पाकर के केवट जी कहते हैं हरि दर्शन को हरि चरणन को श्री हरि की कृपा को। कहते हैं उर्मी ना भूलूंगा मैं ना भूलूं
तुमने मुझ पर ऐसी कृपा की है। उर्मी ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, धुला करके कहते हैं। इधर नैया में बिठा करके कहते हैं, हो चलो नैया में बैठो, कहने लगते हैं गंगा पार।